हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर न्यू क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। हियर आई एम गोइंग टू टीच यू SST चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 5th एंड चैप्टर नेम इज अ यूनिक प्लैनेट द अर्थ, एक अनोखा ग्रह पृथ्वी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम ऑब्जेक्टिव्स लाइक the earth and second is continents and third is oceans. Now I am start this chapter. Now open your book, page number 7. The earth means prithvi ke bare mein padhenge. The earth is one of the 8 planets of our solar system. It is the third planet from the sun and the largest of the 4 rocky planets. When viewed from the space, it looks like a shining blue ball. बच्चों, the earth is one of the 8 planets जो हमारे सोलर of our solar system जो हमारे सौर मंडल में 8 planets होते हैं, उसमें पृथ्वी हमारा क्या है, उनमें से एक है। It is the third planet from the sun, ये सूर्य से third number पर है, ये जो ग्रह है पृथ्वी है सूर्य से third number पर है। एंड द लार्जेस्ट ऑफ द 4 रॉकी प्लैनेट्स, रॉकी मीन्स होता है चट्टानी, जो 4 चट्टानी प्लैनेट्स हमारे होते हैं उनमें से ये सबसे बड़ा है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्पेस इट लुक्स लाइक ए शाइनिंग ब्लू बॉल, जब अंतरिक्ष से इसको हम देखते हैं तो ये किसकी तरह दिखता है, चमकदार नीली बॉल की तरह ये हमें दिखाई देता है। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हमारा जो ग्रह है ये अर्थ पृथ्वी जो हमारा ग्रह है ये अनोखा ग्रह है सौरमंडल में, क्यों है, बिकॉज इसके कई कारण हैं। फर्स्ट इज इट इज़ द ओनली प्लैनेट नॉन टू हैव लाइफ, ये है जो पृथ्वी जो ग्रह है इस पर ही जीवन होता है, यह जीवन के लिए जाना जाता है, सिर्फ इसी ग्रह पर जीवन होता है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट हुज एटमोसफियर कंटेन 21% ऑक्सीजन, जो ये प्लेनेट है पृथ्वी हमारा जो ग्रह है इसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। क्लियर हो रहा है सभी को। थर्ड इट इज़ द डेंसेस्ट प्लेनेट एंड 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यह बहुत ही घना है और इसका 70% जो हिस्सा है, सरफेस मीन्स हिस्सा, जिसका 70% जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ 70% पानी ही पानी है। अब ये कॉर्नर में देखिए आप, 3 ग्रहों के बारे में बताया गया है, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। मर्क्यूरी हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमोसफियर, मर्क्यूरी मीन्स बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, ऑलमोस्ट वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वीनस, शुक्र, वीनस हैज़ 450 डिग्री टेम्परेचर एंड कंस्टेंट रेन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नो वाटर, जो शुक्र ग्रह है उस पर 450 डिग्री टेम्परेचर है और वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की निरंतर वर्षा होती रहती है एंड नो वाटर, वहाँ पर पानी नहीं है। थर्ड है, मार्स हैज़ 95% कार्बन डाइऑक्साइड एंड थिन एटमोसफियर, जो मार्स ग्रह मंगल ग्रह है उस पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत ही कम मात्रा में बिल्कुल नाम मात्र पर वहाँ पर वायुमंडल होता है। और जो फोर्थ लाइन है, नॉन ऑफ दीज प्लैनेट्स हैज़ लाइफ, इन जो ये 4 ग्रह हैं इनमें से किसी भी ग्रह पर लाइफ नहीं है, यानी कि जीवन नहीं है। जीवन किस पर है, सिर्फ एकमात्र हमारे जो सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं उनमें से सिर्फ एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, द अर्थ मीन्स पृथ्वी। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं पृथ्वी उनमें से एक है। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट, ये जो है थर्ड नंबर का प्लैनेट है, किससे, सूर्य से, ये जो प्लैनेट है वो सूर्य से थर्ड नंबर पर है। फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट ऑफ द 4 रॉकी प्लैनेट्स, जो 4 चट्टानी ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी
एक है और सबसे बड़ा है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्पेस इट लुक्स लाइक ए शाइनिंग ब्लू बॉल। जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें एक नीली चमकदार बॉल की तरह दिखाई देता है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है? एक ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ब्लू कलर की बॉल हो, है ना। अवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बिकॉज जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो बहुत ही अनोखा ग्रह है। हमारे सौरमंडल में अनोखा ग्रह है। इसके कई कारण हैं, जैसे नंबर वन, इट इज़ द ओनली प्लैनेट नॉन टू हैव लाइफ। ये जीवन के लिए जाना जाता है, ये जो ग्रह है ये जीवन के लिए जाना जाता है। इस ग्रह पर ही जीवन संभव है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट हुज एटमोसफियर कंटेन 21% ऑक्सीजन। यही एक ऐसा प्लैनेट है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी? 21%। थर्ड कारण क्या है? थर्ड रीज़न, इट इज़ द डेंसेट प्लैनेट एंड 70% ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। ये बहुत ही घना है और इसका जो हिस्सा है, यानी कि चारों तरफ से ये 70% पानी से घिरा हुआ है, यानी कि इसके चारों तरफ 70% पानी है। पेज नंबर 7 इज़ कम्प्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 8 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स।